के सामने अब यूक्रेन बड़ी चुनौती नहीं है बल्कि नेटो बन चुका है पुतिन के लिए एक बड़ा चैलेंज। और यही वजह है कि पुतिन ने कह दिया है कि अब उसके टारगेट पर वो ताकत है जो यूक्रेन की मदद कर रही है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो बहुत बड़ा दावा किया, दावा ये कि रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है और फिर इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ सकता है। क्राइमिया ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन के दिल पर हमला, पुतिन के दिमाग पर हमला। क्या सितंबर शुरू होते ही रूस को बहुत बड़ा घाव देने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? क्या रूस की फौज के गुरूर को चकनाचूर करने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? सितंबर के शुरुआती दिनों में ही पुतिन को बेइज्जत करने वाला बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। क्राइमिया ब्रिज पर वॉर ड्रोन से हमले की कोशिश, यूक्रेन की ब्रिज स्ट्राइक से रूस हिल गया है। क्राइमिया ब्रिज पर 3 कामिकाजे समुद्री ड्रोन लॉन्च किए हैं। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन हमले को रूस के काला सागर बेड़े ने नाकाम कर दिया है। दावा तो ये भी किया है कि 3 ड्रोन में से 1 ड्रोन रूस के गश्ती जहाज को निशाना बनाने में लगा था, लेकिन रूस की नौसेना ने वक्त रहते उसे तबाह कर दिया। सवाल है, क्या सितंबर के शुरू होते ही ज़ेलेंस्की की सेना ने उस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है जिसे सीधे पुतिन के दिल पर हमला माना जा रहा है? अगर ज़ेलेंस्की की सेना ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है तो हो सकता है जो पुतिन ने कभी सोचा भी ना हो। दावे के मुताबिक क्राइमिया में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्राइमिया पर पुतिन को कर्च ब्रिज से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। क्राइमिया में सबसे बड़े कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं ज़ेलेंस्की। क्राइमिया वो जगह है जहां 2014 से रूस का कब्जा है। रूस इसे अपने नक्शे में शामिल कर चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का वो टुकड़ा मानते हैं जिसे पुतिन ने ताकत के बल पर छीना है। लेकिन अब यहां उस युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है, दावा ये कि रूस ने क्राइमिया ब्रिज पर हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार खड़ी की है, वो भी समंदर में। रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर समंदर के अंदर से हमला हो सकता है। नाटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्राइमिया ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए रूस की सेना ने समंदर में एक खास तरह की बाड़ तैयार की है जो पनडुब्बी से लेकर पानी में अंदर से मार करने वाले ड्रोन की राह में रुकावट पैदा करेगा। दरअसल क्राइमिया पुल से 160 मीटर की दूरी पर रूस ने कई जहाज खड़े कर दिए हैं। नाटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया के ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन,
युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। रूस का ये पुल कर्च स्ट्रेट पर बना है जो कि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। रूस के लिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि पहली बात तो ये कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है। दूसरी बात ये कि मौजूदा जंग में कर्च ब्रिज रूस की सेना का सप्लाई रूट है। यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्च ब्रिज के जरिए मदद पहुंचाई जाती है और पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के लिए भी रूस ने इस पुल को अपना लॉन्च पैड बनाया था। क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक ने सरकारी समाचार एजेंसी आरआरआई नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में दावा किया है क्राइमिया पर अगर हमला हुआ तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है। क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वार ही क्यों न करना पड़े। पुतिन के जख्मों पर नमक छड़कने के लिए जेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यहीं पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसोन में रेडार स्टेशन को ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी है। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा। क्राइमिया को लेकर पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं। काला सागर की दहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते। वहीं दावा किया जा रहा है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए उसके क्राइमिया नाम के कमजोर नस को दबाने की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके प्लान का ट्रेलर जेलेंस्की के दक्षिण अभियान के दौरान दिखने भी लगे हैं। जेलेंस्की की सेना अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अजोव सागर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया हुआ है। यूक्रेन की सेना चाहती है कि वो यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से होते हुए अजोव सागर तक पहुंचे, जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। यानी अगर यूक्रेन की सेना रूस के इस जमीनी पकड़ को कमजोर कर देती है तो क्राइमिया पर हमला आसान हो जाएगा। इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर से भी लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन क्राइमिया को शुरू कर दिया तो क्या होगा? दावे के मुताबिक यूक्रेन ने क्राइमिया को वापस हासिल करने के लिए ऐसा ऑपरेशन करने की तैयारी में है
जिसमें 2000 से ज्यादा कमांडो शामिल होंगे और 20,000 की फौज उनको बैकअप देगी। चौंकाने वाला दावा यह है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ यूक्रेन की फौज शामिल नहीं होगी, यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली है और वो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बड़ी भूमिका में शामिल हो गया है। ब्रिटेन की कमांडो फोर्स SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस ने यूक्रेन के 2000 जवानों को तैनात कर दिया है। ये 2000 कमांडो उस बड़ी फोर्स का छोटा सा हिस्सा है जो क्राइमिया पर किसी भी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार है। यह ऑपरेशन सितंबर में शुरू हो सकता है और कहा जा रहा है कि पहले हमले के बाद अगर कई महीनों तक क्राइमिया में बहुत भीषण जंग हो सकती है। ज़ेलेंस्की का टारगेट बहुत साफ है और वो ये कि यूक्रेन क्रिसमस तक यानी दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले पूरे क्राइमिया पर वापस कब्जा करना चाहता है। इसके लिए यूक्रेन के 2000 कमांडोज को दक्षिणी ब्रिटेन के डार्टमूर में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जगह लंदन से 275 किलोमीटर पश्चिम में है और यहाँ SAS यूक्रेन की कमांडो फोर्स को बड़े इलाके पर कब्जा करने का तरीका बता रही है। क्राइमिया के खिलाफ जिस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है उसमें जमीन के रास्ते हमला करने की ट्रेनिंग हो रही है, समंदर के रास्ते अटैक करने का तरीका बताया जा रहा है और आसमान से यानी विमान से कैसे पैराशूट के जरिए उतरकर हमला किया जाए इसका भी पूरा ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने इन कमांडोज को खुद चुना है, उनकी देखरेख में एक एक कमांडो को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए क्राइमिया को जीतना बहुत बड़ा सपना है, लेकिन वो जानते हैं कि एक के बाद एक क्राइमिया को लेकर उन्होंने रूस को झटका दे दिया तो इसके बदले वो पूरा डॉनबास और बखमूत का इंच इंच रूस की फौज से आजाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की क्राइमिया को जीतकर डॉनबास का सौदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि क्राइमिया पुतिन की कमजोरी है और वो इसे लेकर डील करने को जरूर तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा दबाव में है। ज़ेलेंस्की बखमूत में लाशों का पहाड़ देख चुके हैं, खंदकों में मारे गए अपने फौजी देख चुके हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को नाटो से सलाह मिली है कि वो अब क्राइमिया पर अटैक करें। क्राइमिया रूस के हाथ से गया तो पूरा यूक्रेन आजाद करवाया जा सकता है, इसीलिए ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर अब 10-20 नहीं बल्कि 2000 कमांडो अपनी जान देने के लिए तैयार है। क्राइमिया में 2000 कमांडो ऑपरेशन करेंगे और इनमें से 334 लड़ाकों की फोर्स ऐसी है जिनसे खुद ज़ेलेंस्की ने बात की है। ये यूक्रेन की सेना के वो 334 नए अफसर हैं जो ज़ेलेंस्की के एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार हैं और रूस को हराना इनका मकसद है। इन सैनिकों को पता है कि युद्ध के मैदान में रूस की सेना यूक्रेन की फौज को चुन चुन कर मार रही है, इसलिए रूस की सेना किसी और मोर्चे पर आगे बढ़े इससे पहले उन्हें क्राइमिया पर अटैक करना होगा। क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई ऐसे एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं